गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, कल का टेस्ट कैसा था? सारे बच्चों ने अच्छा किया है? बोलो, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? जवाब तो दो। यस अच्छा सर। हुआ हाँ हो गया। अरे मेरे को बिल्कुल आपके फ्रेंड की तरह माना सर। करो, अपने फ्रेंड के से जैसे डिस्कस करते हो ना आप लोग कि यार कल मेरा पेपर ऐसा हुआ, यार कल मैं नहीं छोड़ती, बिल्कुल ऐसे माना करो। अगर मेरे को फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे तो मैं भी आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट करूंगा, अगर मेरे को टीचर की तरह ट्रीट करोगे तो फिर मैं भी आपको स्टूडेंट की तरह ट्रीट करूंगा। मतलब मुझसे अगर आप चीजें छुपाओगे तो फिर मैं भी डंडे के जोर पे बात करूंगा, और मुझसे अगर आप चीज कोई छुपाओगे नहीं, क्लेरिफाई बिल्कुल क्लियर रखोगे, जैसे सपोज करो आज आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, क्लियर बोल दो सर आज मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं है। वैसे फ्रेंड को भी तो बोलते हो यार आज पढ़ने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं पढ़ने की इच्छा नहीं मैं भी क्लास छोड़ दूंगा, लेकिन मुझसे चीजों को छुपाओगे, छुपाने का मतलब है कि बताओगे नहीं और वीडियो ऑफ करके और पता चले मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सो गए, तो फिर मैं एकदम से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं एकदम से क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर आप भी नहीं बता पाओगे, तो फिर मैं एक्शन लूंगा कि क्यों नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो बोलो कैसा था कल का पेपर? सर अच्छा था अच्छा था, इजी था, सर। हमारा लास्ट का छूट गया सर। छूट गया, तो फिर थोड़ी सी स्पीड अप करने की जरूरत है। ये टेस्ट अपन चैप्टर वाइज टेस्ट क्यों लेते हैं, सर इसलिए सर लेते हैं। कल केवल 15 मिनट्स रह गए थे सर, आखिरी के 3 क्वेश्चंस करने के लिए केवल। तो फिर आपने पहले बहुत टाइम ले लिया, पहले के क्वेश्चंस में नो बहुत सर, टाइम ले आपने लिया। आपको सर पहले बोला था सर, आप सुन ही नहीं रहे थे सर शुरुआत में सर, क्या बोला था कि सर नीचे का सर? वो दिखा दीजिए क्वेश्चंस सर नीचे आपको। करने के लिए कह रहा है सर, ये फोर्थ पे अटक गया होगा वहां पे। बेटा 7:10 पे मैंने कहा था कि मैं नीचे स्टॉल आपको दिखाऊंगा, और 7:10 का तो कोई 12-13 मिनट हो गई होगी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने लास्ट के 3 क्वेश्चंस दिखा दिए थे, वो कोई 2-3 मिनट ही लेट हुआ होगा। अब इतना तो एग्जाम में भी चलता ही है कि कोई चीज़ अगर आधे घंटे की 30 मिनट के लिए कह रखी है तो 30 के 33 मिनट तो लग ही सकते हैं। और फिर क्या होता है कि देखो हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, कंफर्ट जोन मतलब क्लास 8 तक क्वेश्चन पेपर का और एग्जाम देने का पैटर्न डिफरेंट होता है, क्लास 9 से बिल्कुल बदल जाता है। जैसे मैंने आपको कहा 1 घंटे का पेपर है और आपको ये 4 क्वेश्चन तो 30 मिनट में सॉल्व करने हैं, ये 4 क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व करने हैं और अगले 3 क्वेश्चन अगेन 30 मिनट में सॉल्व करने हैं, तो अपने आप को फटाफट उस क्राइटेरिया में डालो जैसे इंस्ट्रक्शंस मिले। हाँ अब मेरे को 4 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं, अगले 3 क्वेश्चन अगले 30 मिनट में करने हैं। भाई 7 क्वेश्चंस 1 घंटे में मिलते वो पेपर मेरे हिसाब से आसान होता, और इस तरीके से टूट के मिले तो थोड़ी सी मुश्किल आई या नहीं आई, बताओ? आई ना। यस सर। तो फ्यूचर में बेटा, यस फ्यूचर में, अब ये तो 9th है, चलो 9th 10th में नहीं आती ऐसी चीजें, 11th में 12th में या फिर आगे चल के कॉलेज लेवल पे अब पेपर इसी पैटर्न पे चलेंगे, या इवन आप अभी अभी तो आप चलो बहुत छोटे हो, आगे चल के आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करोगे, फाइट करोगे, वहां पे जो क्वेश्चन पेपर होता है बेटा इसी तरीके का होता है, आपको नहीं करने हैं 1 घंटे में 7 क्वेश्चन, आपको फिक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि 30 मिनट में तो ये करने हैं, 30 मिनट में ये करने हैं। आप वहां पे ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते कि सर हमको तो पूरा पेपर ही दिखाओ, मैं तो 1 घंटे में मेरे हिसाब से सोल्व करूंगा, नहीं। तो मैं आपको और कुछ नहीं है, फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा हूँ क्योंकि आगे आपको ये सारी चीजें फेस करनी है। ठीक है बच्चों, शुरुआत में लगता है कि यार ये हमारे साथ बुरा हुआ, लेकिन फ्यूचर में जब पता चलता है, फ्यूचर में फिर आप याद करोगे कि सर ने हमको इस तरीके से रेडी किया तो उसका हमको अब फायदा हो रहा है, हमको कोई रेडी करने वाला था नहीं हमारे टाइम पे, तो हमको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी पड़ी थी, इसीलिए हम आपको रेडी कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी वो आप ना करो। ठीक है बच्चों, यस सर। एक चीज याद रख के करके चलना कि टीचर जो भी काम करता है ना, जो भी स्टेप लेता है वो केवल और केवल स्टूडेंट की भलाई के लिए होता है, केवल और केवल, इसमें हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। ठीक है, हाँ तो अब अपन सबसे पहले क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, और आप अपने अपने आंसर्स याद तो रहे होंगे, कल ही तो पेपर दिया है अभी तो याद रहे होंगे हमने क्या क्या किया है क्या क्या नहीं किया, याद है ना सबको? हालांकि आपके आंसर शीट सभी चेक नहीं हुई है क्योंकि कल मेरे पास क्लास 10th की आंसर शीट चेक करने के लिए पड़ी हुई थी काफी सारी, तो मैंने कल वो चेक करी थी, आज आपकी आंसर शीट चेक होंगी, इवनिंग तक रिजल्ट मिल जाएगा आपको, पर आपको याद रहा होगा कि आपने क्या क्या आंसर्स लिखे हैं, तो उस हिसाब से चेक अपने अपने मार्क्स आप खुद ही आज ही कैलकुलेट कर लोगे कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं इतने नहीं आ रहे। चलो तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस क्लास क्वेश्चन नंबर 1, और ये लास्ट क्लास हो रही है पॉलिनोमियल्स की बेटा, अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी किस्म का डाउट हो तो आज ही पूछेंगे, कल से अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना? हाँ जी,
पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री और नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं देखूं तो तीन टर्म्स दिखाई दे रही हैं। हाँ जी, यस सर, तो नंबर ऑफ यस टर्म्स के यस हिसाब से सर, पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। यस सर, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से सारे सॉल्व कर देता हूँ पहले मैं, है ना। ट्राइनोमियल, 3y² में एक ही टर्म है तो क्या हो जाएगा? मोनोमियल। कैसे भी कर सकते हो वैसे तो आप चाहो तो, मेरे को ऐसा सर अच्छा हमने तो केवल ऐसे लिखा है सर क्या? कि थ्री टर्म्स से सर ऐसे लिख दिया हमने ना, सर। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्लासिफाई करने का मतलब है इनको नाम बताओ इनके। कहा था कल मैंने इंस्ट्रक्शंस में तक कहा था कि इनके नाम्स बताने हैं कि डिग्री के हिसाब से इसका नाम क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स के, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो पहली दूसरी क्लास में हमने कवर किया था उसके हिसाब से। सर चलो मैंने दोनों चीज़ें बताई है सर, इसमें कितने हैं दोनों, और कौन सा तरीका है। वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर चलो कितने हैं वो ना बता के केवल नाम भी बता दोगे तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन नाम नहीं बताओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 10-x दो टर्म्स हैं, बोलो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। बाइनोमियल अब बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं? मोनोमियल मोनोमियल मोनो। अब कई बच्चे इसको दो टर्म्स अलग अलग पढ़ते हैं, बेटा ये दो टर्म्स नहीं है, ये तो एक ही टर्म है, ये तो पूरी एक ही टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म। दो टर्म्स अलग अलग तब मानी जाती हैं जब अलग अलग नेचर की हों, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में एक तो है कांस्टेंट, एक है लीनियर। पावर चेक करो आप, पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0 मानी जाती है, कांस्टेंट की पावर 0 मानी जाती है, लीनियर की 1। तो 1 पावर और 0 पावर अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग पावर्स हैं तो अलग अलग टर्म्स हैं। यहाँ पे इसकी पावर भी 0, इसकी पावर भी 0, तो दोनों सेम पावर में, यानी कि दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये एक पूरी एक ही टर्म है, तो ये बाइनोमियल नहीं है, ये क्या है? मोनोमियल। कितने बच्चों ने लिखा है मोनोमियल मोनोमियल बताओ, और कितनों ने बाइनोमियल लिखा है? बोलो, बाइनोमियल बाइनोमियल लिखा है, गलत हो गया। अब ये बताओ, चलो फिफ्थ पे बिल्कुल लास्ट में बात करूंगा मैं, है ना, पहले इन चारों को कर लेते हैं। डिग्री के हिसाब से बताओ पहला वाला क्वेश्चन, क्यूबिक। क्यूबिक क्यूबिक थर्ड, सेकंड वाला क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। सर थर्ड इसमें भी वाला, हमने तो डिग्री बता दी केवल हाँ तो गलत हो गया बेटा आपका भी। लीनियर। अब एक बार मार्क्स कटेंगे, एक बार मार्क्स कटेंगे ना तो फ्यूचर में एक सबक मिल जाएगा, फ्यूचर में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराओगे। हाँ, लीनियर। यस और सर, फोर्थ वाले में अभी अभी बताई मैंने, पावर 0 है दोनों की, तो कांस्टेंट, कौन हाईएस्ट पावर कांस्टेंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? एक ही वेरिएबल है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा, अब इसका कोई स्पेसिफिक नाम तो था नहीं नंबर ऑफ वेरिएबल्स का, तो हम ऐसे लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, या पॉलिनोमियल इन टू वे, ऑफ नहीं लगाते, इन लगाते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल या फिर इन टू सर वेरिएबल। हाँ सर हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया वन वेरिएबल। हाँ इसमें तो आप लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है वन में, क्योंकि इसका स्पेसिफिक नाम है भी नहीं ना भाई, नंबर ऑफ टर्म्स इन डिग्री के हिसाब से तो स्पेसिफिक नाम है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि वन वेरिएबल वाले को ये बोलते हैं, तो उसमें आप ऐसे सिंपली लिख सकते हो। हाँ, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, सेम आंसर। सर इसमें वेरिएबल सर नंबर लिखने थे कि कितने तरह के हैं वो लिखने थे। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, ये कितने तरह के हैं वही तो लिखते हैं बेटा, आपने क्या नहीं थ्री सर का? लिख के, सर ऐसे भी लिख क्या है कि इसमें तीन वेरिएबल है और टी है वो वेरिएबल। ना गलत, तीन वेरिएबल कहाँ है बेटा, वेरिएबल तो एक ही है ना, तीन तो सर टर्म्स आपने, हैं, तीन तो सर मैंने टर्म्स है पूछा था बेटा। सर आपने तो अभी यही कहा गिनती ऐसे लिखना है। हाँ तो आपने ये पूछा था कि ये बताना है कि सर भाई कितने वेरिएबल हैं और कौन सा वेरिएबल है, तो अगर आप वैसे भी लिखो ना तो भी आप इसका आंसर ये लिखोगे कि वन वेरिएबल है और वो एक वेरिएबल जो है वो है टी। आप ऐसे नहीं लिखोगे तीन वेरिएबल है और ए टी, अगर तीन वेरिएबल हैं तो तीनों बताओ, एक तो टी है, बचे हुए दो कौन से हैं? समझ में आया हितेंद्र? ठीक है, आपने टी बता दिया वो अच्छी बात है चलो, लेकिन आंसर थ्री वेरिएबल थोड़ी ना, आंसर तो वन वेरिएबल ही है, तीन तो टर्म्स हैं वो सेम वेरिएबल। बच्चों समझ आ रहा है सर क्या? आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, आपकी मैं कह रहा हूं कि तीन वेरिएबल्स आंसर नहीं हो सकता आवाज़ इसका, कट, तीन वेरिएबल्स आंसर नहीं हो सकता, आंसर वन वेरिएबल ही रहेगा, तीन तो टर्म्स हैं सेम वेरिएबल में। ठीक है इतेंद्र, गलत हो गया? यस सर। ठीक है, आगे से ध्यान रखोगे आप भी। सौम्या बताओ क्या लिखा है, वन वेरिएबल लिखा है या थ्री वेरिएबल लिखा है? वन वेरिएबल दैट इज हाँ, टी। दैट इज टी, वेरी गुड। देखो सौम्या ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, वन वेरिएबल दैट इज टी, एक ही वेरिएबल है जो कि है टी।
इसमें भी वन वेरिएबल दैट इज वाई, इसमें भी वन वेरिएबल दैट इज एक्स, ठीक है। फोर्थ में बताओ, जीरो जीरो। देखो देखो मेरी बात सुनो, जीरो नहीं लिखते हैं। अरे 13 स्क्वायर माइनस, मैंने आपको बताया पहले भी बताया, देखो अगर मैं लिखूं 10, तो 10 को आप 10x की पावर 0 लिख सकते हो, हाँ या ना, बोलो। yes, तो एक वेरिएबल तो आ गया ना, बोलो एक वेरिएबल तो आ गया ना, छुपा हुआ है। जीरो वेरिएबल नहीं लिख सकते क्योंकि पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ही ना हो तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट ही वेरिएबल से शुरू होता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी वन वेरिएबल है, लेकिन एक वेरिएबल कौन सा है वो यहाँ पे छुपा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि एक्स है कि वाई है कि, क्योंकि इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10y की पावर 0, या इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10z की पावर 0। तो वेरिएबल पोर्शन कौन सा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो एक वेरिएबल है तो सही। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13² - √10 × x की पावर 0 या y की पावर 0 या z की पावर 0। तो ये पूरा तो हो जाता है कोएफिशिएंट यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वेरिएबल उसकी पावर 0। तो आंसर इसका भी वन वेरिएबल है, जीरो वेरिएबल मत लिख के आना एग्जाम में। बोलो कितनों का गलत हुआ? यस सर। ठीक है, तो कितना भी हम देखो पढ़ाई करें, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी आ जाता है तो उलझ जाते ही है ना, तो इसीलिए तो टेस्ट लिया जाता है बेटा। टेस्ट क्यों लिया जाता है कि देखें एक बार रिवाइज हो जाए, है ना। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, ये तो हो गए इन चार के आंसर्स। अब पांचवे का आंसर बताओ, बताओ x + √y में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। तो 2 के हिसाब से क्या आंसर आएगा? बाइनोमियल। बाइनोमियल। अच्छा जी, अब ये बताओ डिग्री के हिसाब से क्या आंसर आएगा? लीनियर। लीनियर। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से क्या आंसर आएगा? क्या बोला सौम्य आपने? टू टर्म्स की बात वहाँ पे खत्म हो गई। वेरिएबल्स कितने ये बताओ? टू वेरिएबल्स और फिर मैंने वेरिएबल्स भी बता दिए, दैट आर एक्स एंड वाई। सभी ने इस तरह का ही आंसर दिया है? यस सर, डायरेक्ट टू वेरिएबल। सभी का गलत है, अपने अपने लिए सब लोग तालियां बजाओ, कम ऑन फटाफट अपने लिए क्लैपिंग करो, मेरे को आवाज आनी चाहिए माइक में, स्पीकर में, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी करो, याद रहेगा ना आगे के लिए कि देखो हमारा इस तरीके से हमने सब गलत किया था, सभी ने गलत किया था और सभी ने फिर एक दूसरे के लिए तालियां बजाई थी। भाई देखो यहाँ पे ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो कहां नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से उसको क्लासिफाई करने निकल गए। x + √y क्या पॉलिनोमियल है? क्या पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो? यस और नो? अब अगर आप x + √y को सिंप्लीफाई करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी एक्स की पावर तो 1 आ जाती है, लेकिन रूट वाई में वाई की पावर 1/2 आती है, और 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, दैट मीन्स इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल ही नहीं है वो बाइनोमियल या लीनियर कैसे हो सकता है भला? बाइनोमियल और लीनियर तो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना। बोलो सौम्या। यस सर। सिखी? हितेंद्र समझ आया? यस सर। सर लेकिन सर फिर क्या करते सर यहाँ पे? इसको ऐसे करते कि x + √y को पहले सॉल्व करके बताते कि x की पावर 1 है एंड y की पावर 1/2 है, एंड 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। सो द गिवन एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ना, एक्सप्रेशन है केवल एक, द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। बस वहीं पे खत्म कर देते और आगे उसका क्लासिफिकेशन पे बात ही नहीं करते। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो चीजें जो दिखती हैं कई बार वो चीजें वैसी होती नहीं है, तो बड़ा ही फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है बेटा। 9th क्लास ही ऐसी है, कॉन्सेप्ट चेंज होती है, हर चीज चेंज हो जाता है इसमें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बताओ अपने अपने ईमानदारी से खुद ही मार्क्स बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स आ रहे हैं सबके?
फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, किसी ने एग्जाम में मुझसे पूछा नहीं, अभी मैं बता देता हूँ। एक एक नंबर के 6 क्वेश्चंस थे। बोलो कितने मार्क्स आ रहे हैं? 5 है क्वेश्चन तो। अच्छा 5 है तो फिर 5 मार्क्स है, 6 मुझे लगा 6 है। अच्छा मेरे 4 आ रहे हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लियर है। जितेंद्र बताओ कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। चलो चलो देख लेंगे इवनिंग में फिर वो कितने आते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमको गिवन है, स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ मैं, आप चाहो तो रफली नोट डाउन भी कर सकते हो उनके सॉल्यूशंस कहीं अगर नोट डाउन करना चाहो, पर रफली करना क्योंकि फेयर में करने का टाइम नहीं है, डाउट क्लास में थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। हाँ जी, पी ऑफ एक्स गिवन है 9x² - 1। अब पहला क्वेश्चन ये है कि आप पी ऑफ 0 निकालो, तो पी ऑफ 0 काफी इजीली निकल जाएगा। एक्स की जगह 0 पुट अप करोगे तो 9 × 0² - 1 = 9 × 0² तो 0 ही होता है, माइनस 1, और 9 × 0 0 हो जाएगा, 0 - 1, तो आंसर -1। बताओ एनी डाउट? अच्छा फर्स्ट के अंदर ही सेकंड पार्ट है, फर्स्ट के क्वेश्चन के अंदर ही सेकंड पार्ट है कि पी ऑफ माइनस 1 भी निकालो, तो कुछ नहीं है, एक्स की जगह -1 रख देंगे, -1 इट इज इक्वल टू 9 × -1² 1 होता है, -1, 9 × 9 होता है -1 यानी कि 8। तो -1 और 8 यही दो आंसर आ रहे थे क्या फर्स्ट पार्ट में सबके? यस सर। यस सर। चलो एटलीस्ट ये तो सही हुआ। हाँ जी, अब इसी के सेकंड पार्ट की बात कर, इसको डिलीट कर दूं ना, इसी के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन है वही सेम, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x² - 1, तो फाइंड द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। तो जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, इसके पी ऑफ एक्स के जीरोस निकालने, यानी एक्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट अप करूं ताकि ये पूरा जीरो बन जाए, ये पूछना चाह रहा है वो। तो जीरोस निकालने के लिए जो ट्रिक होती है वो क्या होती है कि पी ऑफ एक्स को जीरो मान लो, यही होती है क्या? यस सर। और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो। यस सर। वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो निकालो 9x² = 0, -1 इधर आके +1 यानी कि 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? √1/9, एंड √1/9 क्या होगा बोलना जरा? 1/3 का होल स्क्वायर। नहीं, 1/9 का रूट क्या होगा, मतलब 1 का रूट अलग करो, 1/3 अंश कह रहा है 1/3। सो मैं आप बताओ, सर 1/3 होगा। शिखी आप बताओ, अगर आपने 1/3 लिखा है केवल, तो आधे ही मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज द आंसर इज +or -1/3। बेटा किसी भी नंबर का रूट करते हो, जैसे 4 का रूट करते हो तो दो आंसर आते हैं, +or -2, या फिर 9 करोगे तो भी +or -3। बताया हुआ है ना, ये रूट से दो वैल्यूज निकलती है, एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि अगर आप 1/3 का स्क्वायर करोगे तो भी 1/9 आएगा, और -1/3 का स्क्वायर करोगे तो भी 1/9 आएगा। तो फिर 1/9 के रूट दो हुए ना, एक 1/3 और एक -1/3। Yes, तो कितने लोगों ने केवल 1/3 लिखा था, और कितने लोगों ने दोनों आंसर्स लिखे हैं, 1/3 - 1/3? बताओ अपना अपना। दोनों आंसर्स लिखे हैं। दोनों लिखे हैं तो करेक्ट है। शिकी आप बताओ। सर मैंने 1/9 पे। अच्छा 1/9 पे ही रोक दिया, x² = 1/9 पे ही स्टॉप हो गया, आगे सॉल्व ही नहीं किया, तो बिल्कुल ही गलत हो गया फिर सर, उसमें तो हाफ से भी हाफ मार्क्स मिलेंगे। हाँ हाँ बोलो अंश। जी सर। यश। हाँ यश बोलो। सर इसमें हमने है ना पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 रख के डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अच्छा तो कैसे सॉल्व किया, मतलब एक्स की वैल्यू पुट अप करके आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से किया, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी तो भी एक ही आंसर निकला ना। अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हो तो सही तो है, लेकिन फिर आप एक चीज देखो ना बेटा, अच्छा इसमें दो जीरोस क्यों निकल रहे हैं ये भी देखो, क्योंकि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, पावर 2 आ रही है या नहीं है बताओ? Yes. तो अगर पावर 2 आ रही है, yes, तो वहीं से हिंट मिल जाना चाहिए कि एक नहीं दो जीरोस मिलेंगे, एक नहीं मिलेंगे दो जीरोस मिलेंगे। तो आपने अगर यश तुक्के से हिट एंड ट्रायल मेथड से एक जीरो निकाला था, तो अब एक नंबर और सोचते, यार एक और नंबर में सोचूं जिससे ये वापस जीरो बन जाए, तो वो आपको पी ऑफ -1/3 मिलता। समझ में आया यश? यस सर।
तो हिट एंड, एक मिनट, हिट एंड ट्रायल मेथड इफेक्टिव है, लेकिन फिर आपको वहां पे जो भी उसकी डिग्री है उतने ही नंबर सोचने हैं। अगर डिग्री वन है तो एक ही नंबर सोचना है, डिग्री टू है तो दो सोचना। हाँ बोलो बेटा, कौन पूछ रहा था? और सर मैंने ना 1/√9 लिख दिया और -1/√9 लिख दिया। अच्छा, रूट नाइन को आपने सॉल्व नहीं किया। हाँ तो वो तो फिर भी काफी हद तक ठीक है, केवल रूट नाइन सॉल्व करना भूल गया। देखते हैं कितने मार्क्स। हमने भी यही किया है। आपने भी यही किया बेटा, रूट नाइन 3 होता है, इतना सा और लिख देते तो फुल मार्क्स मिलते ना। यस। बोलो हितेंद्र, आपने क्या लिखा? सर 1/9 पे छोड़ दिया सर हमने भी। चलो देखते हैं फिर क्या मार्क्स मिलते हैं, आगे से ध्यान रखना, पूरा सॉल्व करना है। एंड यस, अगर हिट एंड ट्रायल लगा रहे हो तो जो डिग्री है उतने ही हिट एंड ट्रायल्स लगाने, ठीक है, अगर लगा सकते हो, नहीं तो फिर ये सबसे सही तरीका ये है जो अभी अपन ने सॉल्व किया। थर्ड क्वेश्चन इज कि रिमाइंडर बताना है जब ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा। तो डिवीजर तो एक्स माइनस ए हो गया, तो डिवीजर एक्स माइनस ए हो तो रिमाइंडर पी ऑफ ए होता है या नहीं होता है, पढ़ा है ना रिमाइंडर थ्योरम में हमने? Yes, sir. पढ़ा है कि अगर a प्लस का हो जाएगा ना, अभी देखते हैं। देखो हाँ, a का ही प्लस का ही कह रहा हूँ मैं भी। अगर p of x है x क्यूब माइनस a x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल गिवन हो जो कम से कम लीनियर तो हो, तो ये क्यूबिक है तो कम से कम लीनियर तो है ही सही। और अगर इस पॉलिनोमियल को आप किसी x माइनस ए नाम के डिवीजर से डिवाइड करोगे तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा p ऑफ a निकल के आएगा। तो ये इससे डिवाइड हो रहा है x माइनस ए से, दैट मींस रिमाइंडर क्या होगा मेरा, रिमाइंडर होगा p ऑफ a, पॉजिटिव a ना कि नेगेटिव a, है ना, p ऑफ पॉजिटिव a, p ऑफ पॉजिटिव a निकालो, x की जगह a रखोगे a क्यूब माइनस a, x की जगह a रखोगे a स्क्वायर 6, x की जगह a रखोगे 6a माइनस, इसको सॉल्व करोगे a क्यूब a इंटू ए स्क्वायर अगेन a क्यूब 6 इंटू ए 6 है माइनस a, ये तो गया, बचा 6a माइनस a, 6a में से एक a गया तो आंसर इज 5 है। आंसर यही आ रहा था सबका? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये तो, दो लाइन का ही, ठीक है, क्योंकि डिवीजर सेम टू सेम पका पकाया मिल गया। डिवीजर कुछ ऐसा होता है जैसे 2x माइनस 3, तो फिर उसको कंपेयर करके a की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ती, वो थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन मैंने थोड़ा सा इजी दे दिया, पका पकाया डिवीजर दे दिया, तो सिंपली मेरा रिमाइंडर p ऑफ a ही हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस यस। फोर्थ क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर x माइनस 1 फैक्टर है, तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो मुझे बताओ p ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा? यस सर। देखो अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो चलो ये बताओ मुझे तो कि अगर x माइनस a फैक्टर होता था, पिछले क्वेश्चन में देखो, अगर x माइनस a से मैं डिवाइड करता था तो p ऑफ a रिमाइंडर बचता था। अभी मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या p ऑफ 1 नहीं बचेगा रिमाइंडर? यस सर। यस सर। तो p ऑफ 1 रिमाइंडर बचेगा और वो रिमाइंडर भी 0 बचेगा क्योंकि डिवाइड करने के बाद वो फैक्टर बन रहा है। अगर डिवाइड करने के बाद वो फैक्टर बन जाए तो रिमाइंडर 0 होगा या नहीं होगा? यस सर। अल्टीमेटली मैं यहां आके पहुंचा हूं कि p ऑफ 1 0 है। अब p ऑफ 1 को 0 पुट अप कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी, यानी पहले p ऑफ 1 निकालो और उसको 0 पुट अप करो। 4 * 1 का क्यूब प्लस 3 * 1 का स्क्वायर माइनस 4 * 1 प्लस k अपनी जगह एज इट इज रहेगा, इट विल बी 4, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 * 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और 4 * 1 प्लस k, तीनों प्रोडक्ट्स को सॉल्व करो, इसको इसको इसको, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, माइनस 4 1 जा माइनस 4, k, 4 से 4 खत्म, इट इज 3 प्लस k। तो 3 प्लस k मेरा p ऑफ 1 आया है और वो 0 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो उसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3। आंसर बोलो यही आ रही थी क्या? रिमाइंडर थ्योरम तक किया, फैक्टर थ्योरम तक पहुंचे ही नहीं, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर x माइनस a फैक्टर है
तो पी ऑफ ए जीरो होगा, और वाइसी वर्सा भी था, अगर पी ऑफ ए जीरो है तो एक्स माइनस ए फैक्टर होगा। दो लाइंस लिखवाई थी फैक्टर थ्योरम की, याद है सबको? यस। अगर एक्स माइनस ए, दो चीजें हैं, एक चीज ये, एक चीज दूसरी चीज ये, अगर पहली चीज हो रही है तो दूसरी चीज होगी, और अगर दूसरी चीज हो रही है तो पहली चीज होगी। अगर एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर, अगर एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर, अगर ये एक फैक्टर है तो P of A को जीरो पुट अप करना है, और अगर P of A equals to zero given है तो फिर x minus A को फैक्टर मानना है। यहाँ पे x minus 1 is a factor given है, तो x minus A को x minus 1 से रिप्लेस करो, तो x minus A फैक्टर था तो P of A जीरो होता था, x minus 1 फैक्टर होगा तो P of 1 जीरो होगा, होगा नहीं होगा? Yes, sir. तो P of 1 को जीरो पुट अप करके K की वैल्यू माइनस 3 भी निकालनी थी। तो सौम्या आप मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। हाँ जी, और कोई कुछ पूछ रहा था इस क्वेश्चन में? सर इसमें ना हमने जैसे 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 था, तो सर इसमें 3 प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो गया। हाँ तो माइनस का किया है ना, के माइनस के इक्वल्स टू माइनस 3 तो लिखा है मैंने, और क्या किया भाई? 3 प्लस के इक्वल्स टू 0 है तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 क्या होता है? माइनस 3, तो डायरेक्ट कर दिया मैंने के इक्वल्स टू माइनस 3, यही आ रहा है ना आंसर सबका? यस सर, यस सर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में हमको फैक्टराइज करना था, जो हमने एक डाउट्स क्लास में भी इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को लिया था, है ना? ये क्वेश्चन तो नहीं लिया था, पर इस तरह के क्वेश्चन को जरूर लिया था, देख लो फटाफट। और ये आपके एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, अगर आपने एग्जांपल सॉल्व करके गए हो तो। करके आए थे कि एग्जांपल सॉल्व बीच बीच के? यस सर। ये एग्जांपल था ना, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले वही चलता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना? थोड़ा सा स्पीड में करूंगा मैं। P of x क्या है? x क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ये देखते हैं कि यार एक जीरो तो निकल जाए इसका कैसे भी करके, जैसे यश ने उस वाले क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल से निकाला, तो यश इसमें भी निकला होगा एक जीरो तो हिट एंड ट्रायल से, बोलो। yes. क्या निकला है? जीरो वन, वन से जीरो हो रहा है ये। पी ऑफ वन इक्वल्स टू वन का क्यूब माइनस 23 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 142 इंटू वन माइनस 120। थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, वन का क्यूब वन होता है, 23 इंटू वन का स्क्वायर 23 होता है, 142 बन जाए 142 होगा और माइनस 120 होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करना है, दिस प्लस दिस, तो ये हो जाता है 143, राइट? yes, और माइनस माइनस ऐड करोगे, माइनस 23 माइनस 123 वो भी हो जाएगा 143, तो ये हो गया जीरो। तो P of 1 अगर जीरो है तो फैक्टर क्या बनेगा? अगर P of 1 जीरो है, अगर P of x minus 1 0 है तो x minus 1 फैक्टर बनेगा, मतलब P of 1 तो 0 बन गया मेरा ना, P of 1 is 0, is the 0, oh sorry, ऐसे लिखेंगा मैं, P of 1 equals to 0, equals to 0, that means x equals to 1 0 है ना, implies x equals to 1 तो क्या है मेरा, 0 है, is the 0 of P of x। अगर x equals to 1, 0 है तो फैक्टर 1 का नेगेटिव, यानी x minus 1 is a factor of p of x। पहला फैक्टर मिल गया, बोलो बच्चों, पहला फैक्टर मिल गया। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन करो, लॉन्ग डिवीजन x cube minus 23x square plus 120x plus, ये ना मैं माइनस है, अच्छा प्लस 142x और फिर माइनस 120, 142x और फिर माइनस 120, इसको डिवाइड करूंगा मैं, जो एक फैक्टर मुझे मिला है, क्या मिला है, x माइनस 1, और पहला फैक्टर हमेशा छोटा ही मिलता है जनरली, है ना? खिड़की खोलो जल्दी से, पहले टर्म को पहली टर्म से, डिविडेंड की पहली टर्म को डिविजर की पहली टर्म से डिवाइड करना है, तो पहली टर्म है यहाँ पे एक्स क्यूब, और जनरली ये तीन स्टेप्स में सॉल्व होता है जनरली, है ना? एक्स क्यूब अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन एक्स स्क्वायर, साइन चेंज,
प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बोलो जल्दी से। माइनस का 23x² और प्लस का x स्क्वायर, सॉल्व करो क्या आएगा? माइनस 22x² माइनस 22x, माइनस 22x² बाकी टर्म्स एज इट इज 142x माइनस 120। वापस पहली टर्म को पहली टर्म से, यानी माइनस 22x² को पहली टर्म डिविजर की, तो वही सेम ही है x, क्या आएगा सॉल्व होके माइनस 22x? यस सर, माइनस 22x वहां पे लिखा, मल्टीप्लाई करो माइनस 22x इनटू x, माइनस 22x² और माइनस 22x इनटू माइनस 1 प्लस 22x, करेक्ट सर? साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, पहली ये तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट हुई थी, यहाँ पे भी कैंसिल आउट, पहली तो कैंसिल आउट होगी, दूसरे को सॉल्व करो, प्लस का 142x और माइनस का 22x, सॉल्व करके क्या आएगा सर? 120x। प्लस का या माइनस का वो भी बताओ सर? प्लस का। प्लस का 120x हो जाएगा, राइट? प्लस का 120x। अगली लास्ट टर्म को नोट डाउन करो, 120, वापस पहली टर्म को पहली टर्म से, यानी 120x को x से, x से x कटा, 120, यानी प्लस 120 लास्ट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 120 इंटू 120, प्लस का 120x हो जाएगा ये भी, और 120 इंटू माइनस 1 माइनस, तो दोनों टर्म्स मैच हो गए, यानी दोनों ही कटने वाली हैं, और लास्ट में जाती जाती दोनों कटनी भी चाहिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कट गई और ये भी कट गई, लास्ट में जाते जाते सब कट जाता है। अगर कटता है तब आपने सही किया, नहीं कटता है तो यानी कि आपने यहीं पे कहीं ना कहीं गलती की है। तो मेरा दूसरा फैक्टर आ चुका है, पहला फैक्टर तो हिट एंड ट्रायल से आया था, दूसरा फैक्टर ये आ गया x² माइनस 22x प्लस 120, बट जो दूसरा फैक्टर आया वो क्वाड्रेटिक है, तो ये इवन अभी एक दो फैक्टर्स में वापस से टूट सकता है, तीन फैक्टर्स चाहिए ना आपको, तो इस क्वाड्रेटिक को अगेन दो फैक्टर्स में हम कौन से मेथड से तोड़ेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, राइट? पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, पहले पूरा इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 23x² और फिर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है, एक फैक्टर आया था x माइनस 1, दूसरा फैक्टर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्या आया है? x² माइनस 22x प्लस 120, x² माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। चलो खिड़की खोलो फिर से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है अपने को, a प्लस b। हाँ बोलो सर, इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं ना? कैसे कि सर ऐसा हो कि इसमें ना प्लस करने पर तो 22x आए और ये मल्टीप्लाई करने पर 120x आए, 120x नहीं फिर 120x² लिखो, 120x² हाँ ऐसे भी कर, या तो पूरी पूरी टर्म्स ले लो भाई, प्लस करने पर इसको पूरा वहां ले जाओ और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वहां ले जाओ, पूरा पूरा ही ले जाओ, x को भी ले जाओ वहां पे, है ना? और नहीं तो केवल कोएफिशिएंट से भी सॉल्व कर सकते हो कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट -22 है, इसका कोएफिशिएंट 120 है, तो केवल कोएफिशिएंट्स ले जाओ, उससे भी सही है, कैसे भी कर सकते हो ना, दोनों तरीके सही है। जनरली क्या हम x को भी वहां ले जाते हैं ना खिड़की में, तो फिर x वो दो नंबर सोचने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, और केवल सिंपली न्यूमेरिकल्स होते हैं तो सोचने में आसानी होती है। तो a प्लस भी केवल न्यूमेरिकल लेके जाओगे माइनस 22 और 1 इंटू 120, 120, सोचो फटाफट से दो नंबर क्या सोचे थे? माइनस 12 माइनस 10, वेरी गुड, -12 एंड -10 इज -20 एंड -12 इनटू -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 इनटू 10 120, करेक्ट है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे x² माइनस, अब यहाँ पे x जरूर लिखना क्योंकि यहाँ तो x है ना, वहां हम x लेके नहीं गए थे लेकिन यहाँ एक्चुअल क्वेश्चन में तो x है, तो 12x एंड 10x होगा, ठीक है अंश? यस सर, पहले दो में से x कॉमन, x -12, दूसरे दो में से -10 कॉमन, x -12, करेक्ट है? ऐसे किया था x माइनस वन, वापस x माइनस 12 कॉमन, बचता है x माइनस 10, बिग ब्रैकेट हटा दो, आंसर x माइनस 1, x माइनस 12, x माइनस 10, आंसर। सॉल्व कर लिया सबने, मतलब चेक कर लिया, यही आंसर आया था? यस सर। लेकिन सर हमने सर 12 को कॉमन लिया था सर, 12 को कॉमन है, 3 इंटू 2 करो तो भी 6 है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है,
अब देखो यहाँ पे अगर आप शुरू से ही टेन ट्रायल मेथड से चलो तो x माइनस वन एक फैक्टर आया। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर बाकी के दो फैक्टर्स भी टेन ट्रायल से निकाल लेते हैं ना, वो वैल्यूज रख रख के निकाल लेते हैं। तो आप खुद सोचो x इक्वल्स टू वन पे जीरो आई थी वैल्यू, तो वहां से x माइनस वन फैक्टर मिला, यस और नो बताओ? यस सर। तो अब अगला फैक्टर है x माइनस ट्वेल्व, दैट मीन्स x बराबर 12 पे जाके ये जीरो बनता, तब जाके yes, तो x माइनस 12 फैक्टर आता। तो सोचो हिट एंड ट्रायल से आपको 12 तक चेक करने पड़ते, एक दो तीन चार पांच, और जनरली क्या होता है एक दो तीन चार से आंसर नहीं आता ना तो मैं नेगेटिव में भी चला जाता हूँ, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार। तो सोचो 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव आप सोल्व करते तो हिट एंड ट्रायल से आप कब तक इसका जीरो निकाल पाते, कब तक फैक्टर निकाल पाते? और x माइनस 10 है दैट मीन्स वो x बराबर 10 पे वो जीरो बनता। तो हिट एंड ट्रायल केवल पहला फैक्टर देने में ही सहायक है, बचे हुए दो फैक्टर्स क्या बड़े होंगे जैसे 12 10 6 5, तो अगर आप उनको भी हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने चले गए तो क्या है आपके कैलकुलेशन काफी आगे, और कई बार क्या होता है एक दो तीन चार पाँच छः तक नहीं आता है ना तो बच्चा कॉन्फिडेंस वहीं लूज कर देता है, यार ये तो आ ही नहीं रहा है, और वो 12 तक तो पहुंचता ही नहीं है, जाता ही नहीं, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि उसको कहाँ तक चेक करना है, समझ रहे हो? यस सर। तो इसीलिए हिट एंड ट्रायल मेथड से केवल एक फैक्टर ही निकालने की सोचना, थोड़ा सा क्या है अगर अपन ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हम मुंह की खाते हैं फिर, तो बाकी दो फैक्टर्स का जो तरीका है उसी तरीके से चलना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लॉन्ग डिविजन मेथड। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है गर्ल्स? ओके, डिलीट करते हैं, चलते हैं। अब हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आ गई साहब, 8a³ - 27b। पहले तो ये बताओ ये चार टर्म्स हैं और स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, क्यूब स्क्वायर सब हैं और चार टर्म्स है, कौन सी आइडेंटिटी है ये बेटा? सर a-b होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको मैं मोल्ड करता हूँ, 8a का होल क्यूब को मैं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ, और 27b³ को मैं 3b का होल क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस 3a² भी होता था, तो 3 इंटू ए स्क्वायर की जगह 2a का होल स्क्वायर इंटू b की जगह 3b, प्लस 3ab² होता था तो 3 इंटू ए की जगह 2a और b स्क्वायर करना है 3b का होल स्क्वायर, लेकिन इन सब की वैल्यूज इन सारी टर्म से मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू की दो तो कर ही रही है, ये दो तो कर ही रही है, अगली दो चेक करो, तो इसको सॉल्व करोगे 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू 3b, तो क्या माइनस 36a² भी आएगा क्या, बताओ? यस सर। आएगा 4, ये तो हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, बिल्कुल आएगा, और a स्क्वायर भी बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है ना बच्चों? और इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट टर्म आएगी क्या, चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 जा 18 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 जा 18 होता है, 18 3 जा 54 होता है, और ab स्क्वायर बिल्कुल आ रही है, दैट मींस हमने बिल्कुल सही शक्ल में चेंज कर दिया इसको, तो इसको आप x माइनस वाई के होल क्यूब से अगर कंपेयर करो तो x की वैल्यू 2a एंड y की वैल्यू 3b, करेक्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, और आंसर आएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, तो फॉर्म उसकी चाहिए लेकिन वैल्यूज तो मेरी चाहिए ना, तो मेरी x की वैल्यू है 2a और मेरी y की वैल्यू है 3b, इट्स दिस इज माय फाइनल आंसर, यही आंसर आ रहा था क्या, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, सारे बच्चे चेक करो यही आ रहा था? यस सर। 2a माइनस 3b का होल क्यूब, शिखी यही आ रहा था बेटा आंसर? पूरे प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डाउट क्लास से थोड़ा स्पीडी चल रहा हूँ, लेकिन आंसर तो यही आ रहा था ना? यस सर। आपने होपफुली पूरे तरीके से सॉल्व किया होगा। चले सिक्स्थ के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बिफोर दैट लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड सेकंड पार्ट ऑफ सिक्स, अगेन आइडेंटिटीज लगानी है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन सी होगी वो सोचनी है। सारे स्क्वायर्स हैं, क्यूब तो कोई है ही नहीं, अब ये सोचो कि सारे स्क्वायर्स हैं और छह टर्म्स हैं, कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है? ए प्लस बी प्लस सी का, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ना ए प्लस, यस सर ए होल नहीं सर, मैं एक्सपेंडेड फॉर्म बता रहा था सर, हां ए स्क्वायर सर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मोल्ड करते हैं, 4x का होल स्क्वायर विल बी 2x का होल स्क्वायर, और 4x स्क्वायर विल बी 2x का होल स्क्वायर, y is y का होल स्क्वायर एंड z is z का होल स्क्वायर, राइट? यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब लेकिन
ये कुछ टर्म्स नेगेटिव भी हैं, तो हो सकता है कि मेरी सिर्फ वाई आएगा सर नेगेटिव। हाँ ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, तो इसमें से कोई ए बी सी में से एक वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी क्योंकि दो टर्म्स नेगेटिव हो रही हैं। तो अगर मैं 2ab में इसको कन्वर्ट करता तो 2 इंटू ए तो हो जाता मेरा 2x, इंटू बी हो जाता मेरा वाई, वाई प्लस 2bc में कन्वर्ट करता तो 2 इंटू बी तो हो जाता वाई और इंटू सी हो जाता मेरा क्या जेड, और प्लस 2ac में कन्वर्ट करता तो 2a तो हो जाता मेरा 2x और c हो जाता मेरा जेड। अब आप चेक करो 2 इंटू 2x इंटू वाई 4xy होता है क्या? 4xy तो होता है लेकिन माइनस 4xy नहीं होता है ना भाई, यस सर। 2 इंटू 2x इंटू वाई तो प्लस 4xy होता है लेकिन यहाँ पे माइनस 4xy है या नहीं है? फोर्थ टर्म को मैच करो, कंपेयर करो, तो नेगेटिव की कमी है तो इसको हल्का सा मैं मार्क कर देता हूँ भाई, ये थोड़ा सा गलत है, नेगेटिव पॉजिटिव। अगली टर्म चेक करो 2 इंटू वाई इंटू जेड तो प्लस 2yz होता है लेकिन अगेन यहाँ पे माइनस 2yz है, चेक करो है या नहीं है, यस सर। तो अगेन इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव की गलती है। लास्ट में 2 इंटू 2x इंटू जेड प्लस 4xz होता है, यहाँ पे भी प्लस 4xz है, तो इसमें कोई कमी नहीं है। नो सर। बोलो बाकी बच्चों को समझ नहीं आ रहा क्या? सर आ रहा है तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सर, दे रहे हैं ना। कहाँ दे रहे हो? हाँ तो दो नेगेटिव टर्म्स हैं तो इन दोनों में मुझे कॉमन देखना है कि इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है। वाई कॉमन है, सर वाई कॉमन है, तो इसका मतलब वाई को ही नेगेटिव करना पड़ेगा तब जाके ये दोनों नेगेटिव होंगे, वाई को ही नेगेटिव करना पड़ेगा तब जाके। तो ये वाई के होल बाय। स्क्वायर की सर जगह, वाई के होल स्क्वायर की जगह माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दो, बस दैट्स इट। आंसर विल बी 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आंसर बताओ सही है कि नहीं है? यस सर। यही आ रहा था सबका आंसर भाई, यस सर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही तो पर करोगे। फोर एक्स आना चाहिए ना। 4x क्यों आएगा बेटा? 4x का होल स्क्वायर तो कन्वर्ट हो चुका है ना 2x के होल स्क्वायर में, तो a की वैल्यू तो 2x ही रहेगी ना। a की वैल्यू 4x कैसे हो सकती है? अगर आप a की वैल्यू 4x लगा दो तो इसका होल स्क्वायर तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, 16x स्क्वायर थोड़ी ना, वहां पे तो 4x स्क्वायर है, उससे तो बहुत सारी सारी टर्म्स ही बदल जाएंगी। बोलो गलत कर दिया? यस सर, गलत कर दिया सर। 2x आएगा, 4x नहीं आएगा, आगे से ध्यान रखेंगे ना। इसको कन्वर्ट करने के बाद ये 2x है तो फिर अब 2x ही लिखना है, a की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, a स्क्वायर की वैल्यू नहीं लिखनी है। बाकी सबने सही किया है? यस सर। चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे। इवेल्युएट करना है लेकिन अपने को क्या करना है, इवेल्युएट आइडेंटिटीज को यूज करके करना है, ऐसा नहीं है कि हमने वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया 98 इंटू 103, 103 गुणा 98 ऐसे करके इसका आंसर नहीं लाना। ऐसे करके तो हम थर्ड फोर्थ क्लास में लाते थे, फिर क्लास 9th में डिफरेंस ही क्या हुआ ना, तो हमको आइडेंटिटीज को यूज करके इसका आंसर लाना है। तो बताइए 98 को मैं 100 से कंपेयर करूं तो 100 माइनस 2 लिख सकता हूं, यस सर। एंड 103 को क्या लिख सकता हूं? 100 प्लस 3। 100 प्लस। फर्दर इसको मैं और थोड़ा सा मोल्ड करूं तो 100 माइनस 2 को मैं 100 प्लस माइनस 2 लिख प्लस सकता हूं, माइनस 2, यस सर। इनटू 100 प्लस 3 को एज इट इज छोड़ दो, 100 प्लस 3। अब ये एक्स प्लस ए इनटू एक्स प्लस बी से मैच कर रही है, यस सर। देखो ध्यान, यस सर। एक्स प्लस ए इनटू एक्स प्लस बी से मैच कर रही है भाई। पहला पहला टर्म सेम, एक्स एक्स सेम, एक्स एक्स सेम मतलब 100 100 सेम, ए और बी अलग अलग है, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई 100, ए की वैल्यू क्या आई बताओ? माइनस टू, माइनस टू। एंड बी की वैल्यू प्लस 3। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब क्या होता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होता है, यस सर। तो फॉर्म उसकी वैल्यू मेरी, तो एक्स का स्क्वायर मेरी वैल्यू यस क्या है? सर। 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए तो है माइनस टू प्लस बी है 3, इंटू एक्स करना है तो एक्स है 100, लास्ट में ए बी, ए बी मीन्स ए तो है वही माइनस टू इंटू बी क्या है 3। इसको सॉल्व करोगे 100 का होल स्क्वायर बनेगा 10,000। अच्छा जी, माइनस टू प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा, यस यस सर। और प्लस 1 इंटू 100 प्लस 100 हो जाएगा, राइट? यस सर। प्लस 1 इंटू 100 क्या हो जाएगा? प्लस 100। और माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 हो जाएगा, राइट?
यस सर, यस सर। तो 10,000 में 100 जोड़े तो 10,100, उसमें से 6 और घटा दो तो इट विल बी 10,094, 10,094 आंसर। यही आ रहा था? यस सर, यस सर, यस सर। बोलो गर्ल्स, यही आ रहा था? गर्ल्स की आवाज नहीं निकल रही, क्या हुआ? सौम्या, यही आ रहा था? अब देखिए यहाँ पे आप अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई पूरा तो नहीं पर थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। कैसे? अरे 8 3 जा 24 होता है, होता है नहीं होता है? बोलो, होता है? yes, नहीं होता। तो कुछ भी हो, कुछ भी हो, लास्ट लेटर तो 4 ही होगा या नहीं होगा? यस सर, आपके आंसर का भी लास्ट लेटर तो 4 ही आ रहा है। यस सर, तो आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई ये तरीका बिल्कुल 100% काम करेगा। हो सकता है कि लास्ट लेटर आपके सही हो और पुराने पिछले वाले लेटर गलत हो, तो वो भी सकता है कि ये 9 गलत हो, 0 गलत हो, लेकिन थोड़ा सा तो श्योरिटी मिलेगी कि हाँ चलो लास्ट लेटर मिल रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट। तो ऐसे आप छोटी मोटी ट्रिक्स आजमा के अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई थोड़ा सा कर सकते हो कि एटलीस्ट लास्ट लेटर मिल रहा है यानी कि सही होगा फिर मेरा, है ना। और फिर अगर आपको पूरा ही क्रॉस वेरीफाई करना है और इतना टाइम बचा है तो यार 103 को 98 से अलग से गुणा करके रफली में ही देख लेना क्या आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर, यस सर। ठीक है, अब 996 का क्यूब, बेटा इसको अलग से भी करने बैठते ना, 996 इंटू 996, फिर जो नंबर आता बड़ा सारा उसको वापस 996, अलग से करने में ही जान निकल जाती। निकलती नहीं निकलती बताओ? यस सर, तो अलग से करने में जान निकल जाती। तो फिर इसमें तो सबसे सही तरीका है ही आइडेंटिटीज का। अगर कोई आपको जनरली यूं ही कह देना कि 996 का क्यूब करके बताओ और आपको अलाउ भी कर दे कि बेटा तू है ना 996 कर सकता है, तो भी मत करना। अगर वो अलाउ कर देना, यहाँ तो चलो अलाउड ही नहीं है, डायरेक्टली अलाउड ही नहीं करना है, विदाउट कैलकुलेटिंग डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो कह देता कि कैलकुलेट करके कर लो तो भी इस क्वेश्चन को तो आइडेंटिटी से करने में फायदा है। समझ रहे हो बात को? यस सर, यस सर। ये जितनी भी चीजें आप सीख रहे हो ना बेटा, इसको अपने डेली कैलकुलेशन में डालो। भाई आपने 100 + 102 का स्क्वायर करना है तो आप इसको जनरली, भाई कभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी अगर आपके आप इस जगह फंस गए कि 102 का स्क्वायर करना पड़ रहा है, तो आप वहां पर भी 100 + 2 का होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करो। इन सारी आइडेंटिटीज को अपने डेली कैलकुलेशन में लेके आओ, तब जाके इन आइडेंटिटीज को सीखने का फायदा है। केवल ऐसा नहीं कि विदाउट कैलकुलेटिंग डायरेक्टली का क्वेश्चन है तो ऐसे कर रहे हो, और कल को कोई और क्वेश्चन कर रहे हो उसमें 102 का स्क्वायर आया तो वही अपनी औकात पे आ गए, 102 इंटू 102 करने लगता है। नहीं, ऐसे क्यों करते हो? जब आप आइडेंटिटीज से एक्सपेंड करना सीख चुके हो तो अब डेली कैलकुलेशन में भी आइडेंटिटीज को यूज करना सीखो, उसी से फायदा होगा आगे चल के। ठीक है? यस सर। कोई भी चीज बेटा इसलिए नहीं सिखाई जाती कि मार्क्स स्कोर करो, ये इसलिए नहीं सिखाई जा रही कि मार्क्स स्कोर करो, हर एक चीज इसलिए सिखाई जाती है कि आप उसको अपनी डेली डे टू डे लाइफ में लेके आओ। कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो उसका आप फायदा लो, सीखे हो तो फायदा लो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आप गाड़ी चलाना सीख गए और गाड़ी चला ही नहीं रहे हो तो क्या फायदा हुआ क्या गाड़ी चलाने सीखने का? केवल इसलिए, अभी मान लो कोई आपको मार्क्स दे रहा हो कि आपने अगर गाड़ी चलाना सीख लिया तो आपको 100 में 100 मार्क्स, केवल इसलिए गाड़ी चलाना सीखोगे क्या? नहीं, गाड़ी चलाना इसलिए सीखेंगे ताकि आगे चल के गाड़ी चलाएं। तो वही कहने का मतलब है, मार्क्स तो स्कोर करना ही है लेकिन अब ये सीख चुके हो तो उसको अपने डेली कैलकुलेशन में भी लेके आना है। बताओ आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब। यस सर। क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² a की वैल्यू 1000, b की वैल्यू क्या लगेगी ये बताना जरा, b की वैल्यू क्या लगेगी? प्लस 4 या माइनस 4? प्लस 4। प्लस 4। देखो माइनस से माइनस तो उड़ गया तो बी की वैल्यू प्लस 4 है, कोई भी माइनस 4 नहीं लगाएगा यहाँ पे, है ना। चलो तो ए की वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए की वैल्यू 1000 एंड बी की वैल्यू 4। ये वैल्यूज पुट अप करनी है अब आपको इस वाली फॉर्म में, फॉर्म उसकी वैल्यू मेरी। ठीक है, साफ करते हैं। ए क्यूब यानी 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 3a² b, a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर इंटू b मतलब वही 4, प्लस 3, अब a एज इट इज लिखो और b का स्क्वायर करो, सो लिख दिया गलती से 1000 इंटू बी का स्क्वायर करो यानी 4 का स्क्वायर करो, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो 1000 का क्यूब क्या हो जाएगा? 9 times 0 आ जाएगी, 9 times 0 आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 4 का क्यूब 64 होता है, होता है नहीं होता है?
याद रखने थे एक से पंद्रह के क्यूब, आप कहोगे सर फोर का क्यूब तो करना ही पड़ रहा है ना, इससे अच्छा 996 का ही क्यूब कर ले। तो बेटा मैंने ये भी कहा था कि एक से पंद्रह के क्यूब याद रखो, फिर देखो कितनी फास्ट होता है कैलकुलेशन। माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर, 6 टाइम्स 0 आ जाएगा क्या, इंटू 4 भी करना है, प्लस 3 इंटू 1000 एज इट इज इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये तो सॉल्व होके क्या बन जाएगा, 3 4 जा 12 और 6 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 16 3 जा 48000। इन दोनों को तो सॉल्व करना है, बाकी अब प्लस माइनस करना है। तो नेगेटिव टर्म्स ये माइनस का बेटा ना, और ये में माइनस का 64 है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये और ये तो पॉजिटिव हैं और ये और ये नेगेटिव हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को अलग जोड़ना है, तो देखो जोड़ने से क्या आएगा, अब देखो कैसे देखना है, 3 0 से 3 0 है तो 3 0 तो आएंगी आएंगी, और उसके बाद 48 आएगा ही आएगा। तो पांच डिजिट तो मैंने कवर कर ली, 48000 तक पांच डिजिट तो कवर कर ली। अब आगे की एज इट इज लिख दो, 2 3 4 और 1 लास्ट हो गया ऐड। अब थोड़ा क्या स्मार्ट बन के सीखना पड़ेगा, ऐसे बच्चों की तरह थोड़ा पीछे जाके ऐड करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। 64 यानी 2 0 तो कवर हो गई, ऐड कर रहे हो ना, जोड़ रहे हो, तो अब कितनी जीरो बची, 1 2 3 4 0 लगाओ और 12 लगाओ, हो गए दोनों ऐड भी। यस सर। अब माइनस थोड़ा सा ध्यान से करना, तो माइनस करोगे तो पहले 00 यानी 100 में से 64 को माइनस करोगे तो 36 आ जाएगा लास्ट में। तो अब आपको देखना है कि 9 कितने आएंगे, तो आप देखो एक ही जीरो बचा, बस एक ही जीरो बचा, तो एक जीरो की जगह 9 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 48 का 47 बच गया, ये तो 47 हो जाएगा। क्लियर। अब वही 5 0 तो कवर हो गई, 5 0 कवर हो गई, इस चीज को एज इट इज लिख दो। एक 12 रह गए, अच्छा 12 रह गया क्या, सॉरी 12 रह गया, तो 12 कहाँ तक आएगा, देखो 5 डिजिट्स यहाँ पे कवर करूंगा मैं, तो 1 2 3 4 5 पांच तक यहाँ पर कवर हो जाएगा, उसके बाद एक जीरो बचा है तो आप भी एक जीरो लगाओ। अब 12 माइनस करो, तो 100 में से 12 माइनस करोगे 88 आ जाएगा। अब कितने डिजिट्स कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कवर हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 10 का 9 हो जाएगा लास्ट में आंसर। यही आ रहा था। यस सर, मैच कर लो अपना। अब मैं गारंटी देता हूँ 996 का क्यूब आप अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करते ना, ये तो चलो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन आपने ऑब्वियसली एग्जाम में इतना टाइम नहीं लिया होगा, थोड़ा सा जितनी देर में मैंने अभी सॉल्व किया ऐसे फास्ट में ही सॉल्व किया होगा, क्योंकि आपको वहाँ किसी को समझाना थोड़ी ना, आपको तो खुद को सॉल्व करना है। तो मैं गारंटी देता हूँ 996 का क्यूब आप टाइमर सेट कर लो, चाहे से अलग से सॉल्व करो और आइडेंटिटी सॉल्व करो, आप आइडेंटिटी से जल्दी सॉल्व कर लोगे और करेक्ट सॉल्व करोगे, करके देख लेना चाहे। ठीक है, तो जो चीज सिखाया जाता है सब हेल्पफुल होता है। समझ आया? Yes. बोलो सौम्या, समझ आया? ये आंसर आ रहा था सभी का, 988 047 936, 9 डिजिट का आंसर आ रहा है मेरा। सर ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस अति सरल करके ही नहीं आया, अच्छा आपका छूट गया सर, थर्ड वाला नहीं करे सर, अच्छा थर्ड वाला नहीं करे, अब थर्ड वाला ही तो सबसे सरल था इन दोनों में से। अरे भाई ए क्यूब प्लस ये है बी क्यूब प्लस ये है सी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैसे तो होता है, वैसे तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और लास्ट में प्लस 3abc भी होता है। वैसे तो ये आइडेंटिटी इतनी बड़ी होती है, लेकिन लेकिन अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो केवल ये पूरा परिवार खत्म हो जाता है, केवल 3abc बचता है। यस सर, यही बताया था। तो आप ऐसे सर जीरो कैसे होगा, तो अगर हो जाए, अगर हो जाए मैं कह रहा हूँ, अच्छा ये जीरो कैसे होगा, मान लो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई सारा खानदान जीरो। यस सर, अगर ए प्लस बी प्लस सी की जगह सर ये 3 × 0 0 0 करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। बेटा ए बी और सी जीरो थोड़ी ना कह रहा हूँ, इन तीनों का जोड़ कह रहा हूँ जीरो। भाई तीन नंबर का अगर जोड़ जीरो है तो तीनों जीरो हो ऐसी कोई जरूरी है क्या?
ये अलग अलग नंबर्स होके भी तो सम जीरो हो सकता है ना, नहीं समझे क्या अंश? तीनों का जोड़ प्लस होके कैसे जीरो होगा? ये देखो जीरो के बिना सर। अच्छा ये देखो, अगर मैं यहाँ टू लिखूं, यहाँ फाइव थ्री लिखूं और यहाँ माइनस फाइव लिखूं, टू प्लस थ्री माइनस फाइव जीरो नहीं होता क्या? हाँ सर होता। तो फिर क्या तीनों में से एक भी जीरो है क्या? नहीं है ना, फिर भी इनका सम जीरो हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं दुनिया में, क्या केवल पॉजिटिव नंबर ही सोचोगे? नो सर, सर आपने केवल प्लस प्लस के लिख प्लस प्लस तो बीच में लिखा है, प्लस के बाद भी तो माइनस फाइव हो सकता है ना। द कॉन्सेप्ट इज, कॉन्सेप्ट क्या है कि तीन नंबर्स का सम तो जीरो हो ही सकता है हमेशा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं दुनिया में। ठीक है, तो अगर तीनों का सम जीरो है तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्री ए बी सी में ही एक्सपेंड होता है, बस ये पूरी चीज कट जाती है, यही सिखाया आपको? बोलो, ये सिखाया है क्या? अरे बताओ, जवाब दो, यही सिखाया गया है फिर क्या है? फिर एक बार आपकी आवाज है, सर क्या पूछे? कट कट के आ रही है सर आपकी वही? सर आपकी अभी भी कट कट के आ रही। अब सही आ रही है? यस सर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्री ए बी सी में एक्सपेंड होगा, यही सिखाया आइडेंटिटी में? ये चीज क्लियर हो गई सभी को? अंश आपको भी क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक करो कि a प्लस बी प्लस सी तो जीरो नहीं हो रहा है, और होगा तभी तो सेट होगा क्वेश्चन, उतना बड़ा थोड़ा आइडेंटिटी से एक्सपेंड कराएगा। 76 का स्क्वायर, फिर 990 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी, फिर माइनस ए सी, फिर प्लस थ्री ए बी, इतना बड़ा नहीं कराएगा क्वेश्चन, भी अपने आप में सेट होकर आता है। तो आप ध्यान से देखो, हमेशा ऐसा ही होगा कि अगर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसमें ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो ही हो रहा होगा। चेक करो, 76 प्लस बी क्या है माइनस 90 प्लस सी क्या है 14, इसको ऐड करोगे तो जीरो आएगा क्या? यस सर आएगा। 76 प्लस 14 90 90 माइनस 90 जीरो। तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्री ए बी सी तो होता है, बस थ्री ए बी सी में तो एक्सपेंड होगा ये, तो आप भी थ्री ए बी सी कर दो। आपका a क्या है 76, आपका b क्या है माइनस 90, आपका c क्या है 14, आपको केवल इतना सा प्रोडक्ट करना था और वही आपका आंसर था। कर सकते थे ना? यस सर। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन भारी है तो अपन करके देख लेते हैं। 14 थ्री जा 42 होता है, तो 76 इंटू माइनस 90 इंटू 14 थ्री जा 42 कर दिया मैंने, अब 42 को 90 से कर लो, 76 इंटू नेगेटिव आंसर आएगा 0, 9 टू जा 18 रिमाइंडर 1, 9 फोर जा 36 एंड 137। अब इसको जल्दी से आप सॉल्व कर लो, इस इतना तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा, करना जरा 76 से मल्टीप्लाई सब लोग, इस नंबर को क्या आंसर आ रहा है? आंसर नेगेटिव में आएगा, वो तो फिक्स है, नेगेटिव में आएगा और जीरो आएगा, ये तो फिक्स है। हाँ, 378 को 76 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं करना। करो सब बच्चे, जीरो से पहले 8 आ जाएगा, और जीरो से पहले 8 आ जाएगा, सारा ही करके बताओ ना, 378 इंटू 76। सर हाँ बोलो सर, हमने ना ऐसे कर दिया जैसे 3 और फिर ब्रैकेट के अंदर है ना 76 इंटू 42 इंटू माइनस 90, 3 इंटू फिर क्या किया सर 3 ब्रैकेट में, ठीक है सर 2 लेख, एक मिनट रुको, हाँ 3 ब्रैकेट में आगे सर, सर 3 फिर ब्रैकेट के अंदर 76 इंटू 42 इंटू माइनस 90, 42 इंटू माइनस 90, तो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये 42 कहाँ से आया? ब्रैकेट के अंदर तो फिर यही आना चाहिए था ना, 76 सही है, एक सर देखो 76 सही है, माइनस 90 सही है, लेकिन 14 की जगह आपने 42 लिख दिया, वो तो गलत है ना,
सर 14 है, मैं हमने गलती से 42 बोल दिया। हाँ तो वो तो कैसे भी करो फिर 14 कर लो, आंसर तो सेम ही आ रहा होगा। वो तो मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो पहले किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आपने पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, लास्ट में 3 से किया, कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले इन दोनों को कर दिया, आंसर तो यही आ रहा होगा। सर हमने यही छोड़ दिया। ओ यही छोड़ दिया, फिर तो गलत है। इतना तो ये नहीं छोड़ सकते, थोड़ा सा तो सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई, थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही आइडेंटिटी सॉल्व करके देगी। इतनी आइडेंटिटी ने इसने इतनी हेल्प कर दी, इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ता अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, तो इतनी सारी कैलकुलेशन होती। उसने 3ABC पे छोड़ दी। अब 3ABC तो करना ही पड़ेगा यार, 3ABC पे तो नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है। ये तो वो बात हो जाएगी कि किसी ने हाथ दिया तो आपने गला ही पकड़ लिया, नहीं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी बोलो, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा। 76 into 2 लेके 87,280 मतलब 80 में ये जीरो है या, अच्छा सिंगल ही जीरो है ना, यही आंसर है मतलब। ये आ रहा था कि बच्चों बताओ। यस सर। सर हमारा छूट गया सर। अच्छा छूट गया, हाँ दैट इज एन अनदर थिंग कि छूट गया, बाकी एग्जाम में सॉल्व करके आना बेटा ना। यस सर। चलिए तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, माइनस ऑफ 2,87,280, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो पूरे पेपर को हमने अच्छे से एनालाइज किया और मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने पूरी पूरी कोशिश की है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो आपका फाइनल टेस्ट पेपर बनता है, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, उसमें हर एक टॉपिक कवर हो, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। क्योंकि टेस्ट का मेन पर्पस आपको नीचा दिखाना या आपके मार्क्स काटना, आपको पनिश करना नहीं है, आपको डांटना नहीं है। टेस्ट का मेन पर्पस है आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है टेस्ट की बदौलत। तो हर एक क्वेश्चन कवर होगा तो ही तो टेस्ट, तो ही तो रिवीजन हो पाएगा। मान लो मैंने केवल फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन दे दिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स के क्वेश्चन का रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्लासिफिकेशन के दे दिए तो इसका नहीं होगा। इसलिए वैरायटी आपको हमेशा अपने सारे टेस्ट में देखने को मिलेगी, पूरे चैप्टर में से खींच खींच के हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप टेस्ट दें तो पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना, अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो तो, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट से क्वेश्चन देता हूँ, चैप्टर के हर एक कोने से छांट के क्वेश्चन देता हूँ। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो पॉलीनोमियल्स की आज हमने ये लास्ट क्लास कवर करी, अब इसके बाद पॉलीनोमियल्स डायरेक्ट जब फाइनल एनुअल एग्जाम्स होंगे उसके रिवीजन में आएगा, उससे पहले पॉलीनोमियल्स का हम नाम नहीं लेंगे। अब अपन कल चलेंगे तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर कौन सा है? लीनियर इक्वेशन से शायद, है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फोर्थ चैप्टर है शायद लीनियर। अब तीसरा और चौथा चैप्टर छोटा छोटा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर थोड़ा लेंदी था, फर्स्ट चैप्टर छोटा था, सेकेंड लेंदी था, और अब तीसरा, मतलब तीसरा और चौथा दोनों चैप्टर हो जाएंगे इतनी देर में, तो केवल सेकेंड चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो तीसरे चौथे चैप्टर छोटे छोटे से हो जाएंगे, और फिफ्थ चैप्टर आपका हमेशा ओमिटेड रहता है, इस साल भी ओमिटेड ही रहेगा। फिर तीसरे चौथे के बाद सीधा अपने को छठा चैप्टर करना है, और उसके बाद छठे चैप्टर से मेन हमारा जो मैथ से पूरा प्रूफ वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा, यानी ज्योमेट्रिक पार्ट शुरू हो जाएगा। मतलब ये मान के चलो चौथे चैप्टर तक तो अलग मैथ्स चलेगी, और फिर उसके आगे की पूरी मैथ्स अभी बदल जाएगी। तो एक बार चौथे चैप्टर तक खत्म करें, फिर ज्योमेट्रिक पार्ट में पूरा अपने को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सब सोच चेंज करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। काफी आज के लिए, यस सर। एंजॉय करो, आज की छुट्टी होगी। एंजॉय करने का मतलब है कि एंजॉय पूरी तरह से एंजॉय मत करो, थोड़ा सा रिलैक्स होके आप पढ़ाई भी करो, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो सकते हो। ऑफ होंगे सारी क्लासेस शायद आज आपकी? सर कल रात साइंस का है, कल मैथ का टेस्ट है। आज ईद के दिन भी ऑफ नहीं है क्या स्कूल में? सर टेस्ट ही है सर, ऐसे स्कूल में नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, स्कूल में तो खैर जा नहीं रहे, पर ऑनलाइन टेस्ट है ना सर, आज छुट्टी। चलो ठीक है, नहीं किसी किसी की रहती किसी। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय। हाँ एंड यस, ईद मुबारक टू ऑल।